नमस्ते दोस्त, आज है डे थ्री। आज डे थ्री का वर्कआउट हम करेंगे। डे थ्री में रहेगा लेग वर्कआउट एंड शोल्डर वर्कआउट, क्योंकि हमारा सारे वर्कआउट खत्म हो गए हैं। अभी लेग एंड शोल्डर है, तो लेग एंड शोल्डर करेंगे। पहला वर्कआउट रहेगा लेग का प्रेस, उसके बाद शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। तो चलिए, लेग का कौन सा वर्कआउट करना चाहिए और कितना रिपीटेशन रहेगा, मैं सारे चीज़ बताऊँगा आपको। पिछले वाले वीडियो में, पहला वीडियो में जो वार्म अप था, वार्म अप रेगुलर रहेगा। वो वार्म अप के बाद हम ये वर्कआउट करेंगे। पहला वर्कआउट रहेगा क्या, थ्री स्क्वाट। ओके, थ्री स्क्वाट करेंगे। थ्री स्क्वाट रहेगा 20-20-20, मतलब 20 × 3। ओके, अगर 20 नहीं होता 15-15 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए गाइस, कैसे करेंगे देखिए। हमारा पैर का वाइड इतना रहेगा, हमारा शोल्डर वाइड शोल्डर वाइड भी रहेगा। ओके, ज्यादा बाहर नहीं रहेगा, ज्यादा क्लोज नहीं रहेगा, क्यों बच्चे क्लोज रख के ऐसे मारते हैं, नहीं तो बहुत वाइड रखते हैं। तो हमको उतना वाइड रखना चाहिए, हमको जितना जरूरत है, मतलब हमारा शोल्डर वाइड में रखेंगे। उसके बाद हाथ सीधा करेंगे और रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring to feel sun inside when it's pouring. Okay, guys. 20-20 करके हम 3 सेट मारेंगे। अगर 20 नहीं हो रहा है तो 15-15 3 सेट करेंगे। ओके, हमारा रिपीटेशन यहाँ पर टोटल 60 रिपीटेशन रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा हमारा वेट स्क्वाट। तो चलिए लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेट स्क्वाट स्मिथ मशीन में लगाएंगे। देखिए, मैं 10-10 लगाया हूँ। आप लोग 5 से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो 7.5 से, नहीं तो 10 से, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये कैसा लगाते हैं देखिए। पहला चीज है, आपका हाथ ज़्यादा वाइड नहीं रहेगा, क्लोज रहेगा। ओके, दूसरा चीज, हम ये शोल्डर के ऊपर बाहर रखेंगे, पैर देखिए आगे रहेगा। ओके, दो पैर जैसे फ्री स्क्वाट में लगाए थे, पैर वैसे ही थोड़ा सा बाहर रहेगा, जैसे अंदर नहीं रहेगा, सीधा भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा। ओके, कमर पीछे करके be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. बहुत आसान गाइस। ओके, आप 15-15 3 सेट लगाएंगे, ठीक ना, 3 सेट। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा वो लेग एक्सटेंशन। ओके, हम लेग एक्सटेंशन भी वैसे ही करेंगे, 15-15 3 सेट। नेक्स्ट वन, लेग एक्सटेंशन कैसे मारते हैं, चलो तो इसको सेट करेंगे। इस हिसाब से ज्यादा मत डालिए, लाइट वेट रखिए, जैसे कि आपका रिपीटेशन 15 हो सके। इसे बैठिए और पीछे ऐसे बेंच पे लग कर आप यहाँ पर पकड़िए अच्छे से, उसमें 1, 2, 3, 4, 5. Saver, I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? बहुत बढ़िया। तो 15-15 करके हम 3 सेट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं,
ज़्यादा करोगे तो और दूसरे मतलब नेक्स्ट डे आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि पैर बहुत मतलब वर्कआउट के बाद ये बहुत पेन होता है, तो इसीलिए काम काम करना चाहिए। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा वो है लेग कर्ल। क्या लेग कर्ल मारेंगे? ओके, लेग कर्ल मशीन में ही लगेंगे, लेकिन देखते ही आपको पता चल जाएगा कैसे मारते हैं। ओके, ये रिवर्स वाला है इसलिए लेग कर्ल लेते हैं। ओके, तो गाइस देखते हैं कैसे। आपको ऐसे लेट जाना है। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. Okay, इतने के बाद हमारा लास्ट वर्कआउट रहेगा लेग का वर्कआउट, वो है कप्स। ओके, थ्री कप्स वर्ड्स का भी नहीं, थ्री कप्स का। ओके, थ्री कप्स ये बेसिक मानना चाहिए। हमारा थ्री कप्स रहेगा 20x3 मतलब 20-20 तीन सेट मारे। ओके, लेट्स गो। आपके जिम में ऐसे वाला मतलब प्लेस होगा, देखिए ये नहीं हो तो जिसमें भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ऐसे पैर रखते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, हमारे लेग वर्कआउट पूरा फिनिश हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा शोल्डर वर्कआउट, जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट। तो गाइस हमारा शोल्डर वर्कआउट रहेगा, पहला वर्कआउट है मशीन शोल्डर प्रेस। ओके, कैसे मारते हैं? ऐसे बैठना है, पूरा पीछे से गए और पीठ लगा कर चेस्ट ऑफ रखना। कुछ बच्चे बच्चे क्या करते हैं, इससे पीछे पीछे जाते, इससे मारने से हमारा अंदर होगा, हमारा हैंड ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, फ्रंट में जाएगा। ओके, तो मारते हैं, चलो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही हम 15-15 थ्री सेट लगाएंगे, सेम वेट सेम रिपीटेशन। वेट मत चेंज करिए, अगर ज़्यादा वेट लगेगी तो आपका रिपीटेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए सेम वेट सेम रिपीटेशन। ओके, तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है फ्रंट राइज एंड साइड राइज, एक कॉम्बो है, हम मिला के बारेंगे कैसे मारते हैं। I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO. तो वैसे 15-15 थ्री सेट लगाएंगे और हमारा मसल पूरा स्ट्रेन हो जाएगा। ये है शोल्डर वर्कआउट, और शोल्डर वर्कआउट लास्ट वर्कआउट है, जो कि स्ट्रोक के थे। मैं अभी मार के दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। इस तरफ इतने मतलब लाइव वेट नहीं, थोड़ा सा हैवी वेट लेते हैं। आपको डंबल ऐसे रखना है, एडजस्ट रखेगा, सिर्फ शोल्डर उठना है, थोड़ा सा
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make इसको भी 15-15 3 सेट ले। तो गाइस आज का वर्कआउट भी खत्म। ये हमारा रूटीन था मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ओके ये 3 डे का रूटीन है और ये 3 डे जो जो के वही को हमको रिपीट करना है। मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वही चीज ही रिपीट होगा। कौन सा चीज? पहला दिन क्या था? मंडे। मंडे में क्या मारते हैं? बैक एंड बाइसेप। बैक एंड बाइसेप थर्सडे में मारना। और फ्राइडे में क्या करना है जो ट्यूसडे में था वो करना है। और सैटरडे में क्या करना है? आज जो है ये वेडनेसडे का वीडियो, ये वाला वीडियो मतलब ये वाला वर्कआउट आपको सैटरडे में रिपीट करना है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक महीना तक करना है, वन मंथ के बाद मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। आप लोग देखिए और आगे कंटिन्यू करें। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।